हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज के सेशन में। स्टूडेंट्स जिनका भी SBI कलर का एग्ज़ाम होने वाला है उनको ऑल द बेस्ट, और IUPS PO का भी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उन सबों को ऑल द बेस्ट। तो चलिए, सिलोजिज्म के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका तैयारी कितना है, आपको क्या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसा सॉल्व करते हैं आप देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली GARPA। तो ओनली GARPA का क्या डायग्राम होगा, तो ओनली GARPA का हो जाएगा ऑल PARJA। कभी भी ओनली लगेगा किसी सेंटेंस में तो हम लोग पीछे से उसको ऑल लेते हैं, यानी ऑल PARJA हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायग्राम हो जाएगा ऑल PARJA, सभी PA क्या है, GA है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ओनली GA, केवल GA ही PA है, मतलब केवल GA का ही एरिया PA रहेगा। PA जो है GA के अलावा किसी और से टच नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ पर PA जो है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शन लग गया है। PA जो है इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, PA किसी और को टच नहीं कर सकता है। हियर PA कांट टच एनी अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट GA, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड है कि सम PA आर LA, PA का कुछ पार्ट LA है। तो देखिए, आप कंक्लूजन में PA को किसी और एलिमेंट के साथ टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब राइटर बोल रहा है कि सम PA आर LA, तो राइटर स्टेटमेंट उस तरह का दे सकता है PA के साथ, ठीक है। तो सम PA आर LA, तो PA का कुछ पार्ट LA है, तो PA का कुछ पार्ट LA है, तो मैं स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूँ। नेक्स्ट है सम LA आर MA, LA का कुछ पार्ट MA है, तो LA का कुछ पार्ट MA है, ये देखिए। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन है, पहला फर्स्ट कंक्लूजन आप लोग देख सकते हैं, पहला है कि सम LA बिंग GA पॉसिबल, सम LA बिंग GA पॉसिबल। तो LA का कुछ पार्ट ऑलरेडी GA से टच है ही, तो फिर पॉसिबल क्यों पूछा जा रहा, यानी फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्फर्म है और पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा। सेकेंड देखते हैं, नो MA इज PA, कोई भी MA PA नहीं है, कोई भी MA PA नहीं है, सही बात है, जब PA का रेस्ट्रिक्शन लगा है तो कोई भी MA PA नहीं होगा, तो सेकंड कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड है सम MA कैन बी, कैन बी और पॉसिबिलिटी दोनों एक ही होता है, कैन बी का मतलब ही पॉसिबिलिटी, तो सम MA कैन बी GA, सम MA कैन बी GA, हाँ MA को हम GA से टच कर सकते हैं बट PA से टच नहीं कर सकते हैं, तो MA कैन बी GA, तो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि सम LA आर GA, LA का कुछ पार्ट GA है, हाँ LA का कुछ पार्ट GA है, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है कि है कुछ पार्ट, तो देखते हैं, ठीक। सम MA, सम MA कैन बी PA, सम MA कैन बी PA, सम MA कैन बी PA, हाँ सही है, हाँ MA और PA, देखिए कैन बी दे दिया है, MA और PA, तो MA कैन बी PA बोलेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि MA कांट टच PA, ठीक है, PA किसी और के साथ टच नहीं हो सकता है, तो MA और PA का पॉसिबिलिटी कैन भी पूछा जा रहा है, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नो, हाँ नो CA इज MG, नो CA इज MG, नो CA इज MG, बनाइए आप लोग भी डायग्राम बनाइए, नो CA इज MG, कोई CA MG नहीं है, कोई भी CA MG नहीं है, कोई भी CA MG नहीं है। नेक्स्ट है ओनली फ्यू MG RFE, ओनली फ्यू MG, MG जो है उसका केवल कुछ ही पार्ट, MG का केवल कुछ ही पार्ट FE है, MG का केवल कुछ ही पार्ट FE है, तो उसको ऐसे बनाना है, MG का कुछ पार्ट FE हो गया, MG का कुछ पार्ट FE हो गया, और लिखा है कि ओनली फ्यू MG, MG का केवल कुछ ही पार्ट, यानी MG का जो रेस्ट पार्ट हो गया, रेस्ट पार्ट कांट बी FE, तो रेस्ट पार्ट जो है वो FE नहीं हो सकता है, इस तरह से बनाइएगा। लेकिन याद रखना है स्टूडेंट, MG का केवल कुछ ही पार्ट FE बोला है, तो सभी FE को भी आप MG के अंदर बना सकते हैं, पूरे FE को हम MG के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, MG के किसी एक छोटे से भाग में पूरे FE को हम ले जा सकते हैं, लेकिन पूरा MG को आप FE के अंदर नहीं बना पाएंगे। तो याद रखिएगा, ओनली फ्यू जब बोला जाएगा तो ओनली फ्यू का कंक्लूजन क्या होगा, सम भी हो जाएगा और सम नॉट भी होगा, सम और सम नॉट दोनों होगा, ठीक है, तो MG का केवल कुछ ही पार्ट FE है, यानी रेस्ट पार्ट कांट बी FE। नेक्स्ट है एलोन, एलोन मतलब अकेला, एक अकेला, तो ओनली बोल सकते हैं ओनली,
तो ओनली ओनली सी यू आर एफ ई, ओनली एलोन मतलब ओनली है ना, ओनली सी यू आर एफ ई, तो ओनली का मैंने क्या बोला था पीछे से ऑल, मतलब ऑल एफ ई, ऑल एफ ई आर सी यू, ऑल एफ ई आर सी यू, सभी एफ ई सी यू है, सभी एफ ई सी यू है, लेकिन लेकिन देखिए सभी एफ ई सी यू है, सी यू यहां पर है, लेकिन याद है कि ओनली का जब हम लोग पीछे से ऑल करते हैं तो उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब एफ ई का यहां पर, एफ ई का फिर यहां पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है, एफ ई फिर कांट टच एनी अदर एलिमेंट्स, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन है सम एम जी बिंग सी यू पॉसिबल, सम एम जी बिंग सी यू, तो वो तो ऑलरेडी सी यू है ही, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है नो एफ ई इज सी ए, कोई भी एफ ई सी ए नहीं है, कोई भी एफ ई सी ए नहीं है, तो एफ ई और सी ए, देखिए एफ ई का रेस्ट्रिक्शन है तो कोई एफ ई सी ए नहीं है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। तो सेकंड का सेकंड कंक्लूजन होगा। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है सम एस टी आर सी एल, सम एस टी आर सी एल, एस टी का कुछ पार्ट सी एल है, एस टी का कुछ पार्ट सी एल है। नेक्स्ट एलोन, एलोन मतलब ओनली है ना, ओनली, तो ओनली सी एल आर एन एस, तो ओनली का रिवर्स से ऑल हो जाता है, तो हो जाएगा ऑल एन एस आर सी एल, ऑल एन एस आर सी एल, ऑल एन एस आर सी एल, देखिए एन एस अंदर बन जाएगा, ऑल एन एस आर सी एल, ठीक है। लेकिन यहां पर एन एस का रेस्ट्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये ओनली से कन्वर्ट होके ऑल बना है, तो याद रखना है कि एन एस का यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा, वो किसी और को टच नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है ओनली फ्यू एन एस, ओनली फ्यू एन एस आर एल पी, एन एस का केवल कुछ ही पार्ट एल पी है, एन एस का केवल कुछ ही पार्ट एल पी है, एन एस जो है एन एस उसका केवल कुछ ही पार्ट एल पी है, तो एन एस का कुछ पार्ट एल पी ले लेते हैं, और एन एस का जो रेस्ट पार्ट है कांट बी एल पी, एन एस का जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट कांट बी एल पी, एन एस का बाकी पार्ट एल पी नहीं हो सकता है, ठीक। चलिए कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन है सम एल पी आर नॉट सी एल, सम एल पी आर नॉट सी एल, तो देखिए तो एन एस का रेस्ट पार्ट, एन एस का रेस्ट पार्ट एल पी के पास नहीं जा सकता है, लेकिन सभी एलपी तो एनएस के पास आ सकता है, जितना एलपी है उसको तो हम लोग ला ही सकते हैं, ठीक है ना। तो जब पूरा ही एलपी जब एनएस के अंदर आ सकता है तो सीएल के अंदर भी आ सकता है, एलपी सीएल के अंदर भी आ सकता है, तो जब एलपी का पूरा ही पार्ट सीएल हो सकता है तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि एलपी का कुछ पार्ट सीएल नहीं है। अभी दिख रहा है कि एलपी का कुछ पार्ट सीएल नहीं है, बट यदि हम लोग एलपी को सीएल के अंदर बना दे, मतलब एनएस के अंदर बना दे और सीएल के अंदर भी आ जाएगा, तो फिर एलपी का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा जो कि सीएल नहीं होगा, तो फिर क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि एलपी का कुछ पार्ट सीएल है ही नहीं, मतलब ये कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है बट ये कंफर्म नहीं है, तो पहला डाउटफुल है तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है सम एलपी आर सीएल, एलपी का कुछ पार्ट सीएल है, तो सेकंड तो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है फ्यू, फ्यू मतलब कि सिंपल, इसको बस सम इसका मीनिंग लेंगे, फ्यू का मीनिंग केवल सम लेंगे, है ना, और कुछ नहीं होगा, और कुछ अलग से इसका मीनिंग नहीं निकालना है। फ्यू मतलब सम, सम ओ आर पी, ओ का कुछ पार्ट पी है, ओ का कुछ पार्ट पी है, ठीक है। नेक्स्ट सम ओ आर नॉट क्यू, ओ का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, ओ का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, तो ओ का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, मान लेते हैं ओ का ये एक पार्ट है जो कि क्यू नहीं है, बस ओ का कुछ ही पार्ट क्यू नहीं, ओ जो है उसका बाकी पार्ट क्यू हो सकता है, मतलब हम लोग क्यू को ओ के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ओ का केवल सम ओ आर नॉट क्यू, ओ का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, तो ओ का बाकी पार्ट तो हो ही सकता है। नेक्स्ट ऑल क्यू आर ई, ऑल क्यू आर ई, सभी क्यू ई हैं, ऑल क्यू आर ई, ठीक है। पहला कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन सम पी आर ई, सम पी आर ई, तो कांड से डाउटफुल केस है। नेक्स्ट है नो पी इज ई, कोई पी ई नहीं है, तो कोई पी ई नहीं है हमेशा नहीं बोल सकते, पी और ई दोनों एक दूसरे के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो मैं कंफर्म कैसे बोल पाऊंगा कि कोई पी ई नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो डाउटफुल है, ठीक है। तीसरा, तीसरा है ऑल ई बिंग ओ इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ई के ओ होने की संभावना है, हाँ, तो पूरे क्यू के पूरा ही पार्ट को हम ओ के अंदर बना सकते हैं और ई को भी ले जा सकते हैं, लिखा था कि ओ का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, तो ओ का कुछ पार्ट क्यू नहीं है, तो ओ के बाकी पार्ट में तो हम क्यू और ई को ले जा सकते हैं,
तो ऑल ई बिंग ओ इज अ पॉसिबिलिटी, तो तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड देखिए यहां पर रॉन्ग है, रॉन्ग है तो देखिए दोनों रॉन्ग है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन है, तो आइदर और का केस हो जाएगा, इधर और हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा इधर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इधर 1 और 2 एंड 3 फॉलोज, या फिर ओनली 3 एंड इधर 1 और 2। तो चलिए होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, इसी तरह के और किसी दूसरे वीडियो में बहुत जल्द आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और आपका फ्यूचर ब्राइट हो, इसके लिए हम लोग दुआ करेंगे, ठीक है, थैंक यू।